अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिक्स एनजाइटी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोपिंग के हवाले से, सेमीकंडक्टर में डोपिंग किस तरह से होती है, डोपिंग किस बला का नाम है, इस सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो तक एंड तक बने रहेगा ताकि आपको पूरा लेक्चर समझ आ सके, कहीं से स्किप मत करिएगा वरना आपको आगे की बात समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। व्हाट इज़ डोपिंग, डोपिंग क्या होता है, डोपिंग के प्रोसेस को समझने के लिए उससे पहले मैं आपको इंट्रिंसिक्स और एक्सट्रिंसिक के डेफिनेशन समझाना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप ये दो चीज़ें समझ जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए डोपिंग को समझना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हमने पढ़ा था सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियोज़ देख लें ताकि आपको बआसानी ये वीडियो समझ आ सके। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में हमने पढ़ा के हवाले से मैं आपसे बात कर रही थी कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। मटेरियल किस तरह से फॉर्म होता है, उसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह से होती है। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी कोई सेमीकंडक्टर बिल्कुल प्योर है, ठीक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, हमने उसमें कोई मिलावट नहीं की, कहेंगे उसे इंट्रिंसिक। मतलब कि इंट्रिंसिक अदर वर्ड में प्योर को कहते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक की डेफिनेशन जो हम लिख सकते हैं वो हम प्योर कह सकते हैं इन्हें अदर वर्ड्स में। इंट्रिंसिक इज़ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर की प्योर फॉर्म कि वो अपनी बिल्कुल असली हालत में मौजूद हो तो हम उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब हम उसमें कोई मिलावट कर दें, कोई दो नंबरी काम कर दें, ठीक है, तो उसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, अनदर वर्ड ऑफ इम्प्योर, अगर हम सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, अब डोपिंग पढ़ लेते हैं कि डोपिंग दरअसल क्या होती है। कि मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पढ़ने के बाद आपको डोपिंग आसान हो जाएगी, तो डोपिंग के रिलेटेड मैं बात कर लेती हूँ कि डोपिंग की अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो डोपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स टू इंट्रिंसिक सिलिकॉन और जर्मेनियम टू इम्प्रूव द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। अगर हम किसी सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, ठीक है, इस पे गौर करें कि मैं कह रही हूँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में हम कोई मिलावट कर दें, ठीक है, एडिंग इम्प्योरिटी कर दें, इम्प्योरिटी ऐड कर दें, एक्सट्रिंसिक बना दें उसे, इसलिए ताकि वो उसकी कंडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। वो कंडक्टिविटी क्योंकि वो बैड कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, उसे एक्सट्रिंसिक बना दिया, उसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी, कुछ एटम्स के पार्टिकल्स ऐड कर दिए, तो उसे हम डोपिंग कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन लिख लेते हैं, डोपिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी एटम्स टू इंट्रिंसिक सिलिकॉन, यहाँ में सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख रहे हैं, आपसे हमें कंडक्टर भी लिख सकते हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, डोपिंग से रिलेटेड बात हो गई कि अगर हम किसी सेमीकंडक्टर में किसी इम्प्योरिटी ऐड कर दें, कोई अदर एटम्स के एलिमेंट्स ऐड कर दें, तो उसे हम डोपिंग कहते हैं। ठीक है, अब डोपिंग कितने तरह की होती है और किस किस वे में हम उसे यूज़ करते हैं, उसके बेनिफिट क्या होते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो बात कर लेते हैं अब टाइप ऑफ डोपिंग की। टाइप ऑफ डोपिंग बेसिकली दो तरह के होते हैं,
एक हमारे पास आ जाता है पेंटावेलेंट, ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है पेंटावेलेंट और एक आ जाता है हमारे पास ट्राईवेलेंट। अभी ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट क्या होते हैं आई होप आपको पता हो, और नहीं पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ कि पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट एक्चुअली में क्या होते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन और किसी एटम के पास उसके वैलेंस शेल में उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इट्स मीन कि वो 5 ग्रुप का पार्टिकल है, ठीक है, 5 ग्रुप एलिमेंट से वो बिलोंग करता है। और अगर वो 5 एलिमेंट 5 ग्रुप से बिलोंग करता है तो उसके पास वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसकी वजह से उसे हम पेंटावेलेंट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड आ जाते हैं ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट में ये जो है 3rd ए ग्रुप का पार्टिकल है और इसके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे ट्राईवेलेंट कहते हैं। ट्राई के मीन्स 3 होते हैं और पेंटावेलेंट के मीन्स पेंटा हम 5 को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं पेंटावेलेंट के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पेंटावेलेंट के बारे में। पेंटावेलेंट जो है वो हमें जिस तरह के सेमीकंडक्टर बना के देते हैं हम उसे कहते हैं एन टाइप मटेरियल, ठीक है। ये पेंटावेलेंट की डोपिंग के बाद अगर जो मटेरियल हमारे पास मैन्युफैक्चर होता है उसे हम एन टाइप मटेरियल कहते हैं। अब ये एन टाइप मटेरियल किस तरह से बनता है और काम क्या करता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो मैं इसका आपको पहले इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा दूँ कि अगर मैं किसी पेंटावेलेंट को ऐड कर दूँ किसी सिलिकॉन के साथ तो क्या होगा। ये मैंने पी टाइप मटेरियल और ये मैंने एन टाइप मटेरियल के बारे में पहले से जो है मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है सामने नहीं कर सकती, तो अब मैंने ये एन टाइप मटेरियल बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एक सेमीकंडक्टर सिलिकॉन हो सकता है, जर्मेनियम हो सकता है, कोई भी आप ले सकते हैं। उसमें मैं मिला रही हूँ इम्प्योरिटी ऐड कर रही हूँ पेंटावेलेंट की, जिसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 ग्रुप के पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोरस, ठीक है, पी से डिनोट करते हैं, एर्सेनिक ए एस से डिनोट करते हैं, एंटीमनी एस बी से डिनोट करते हैं, जिसे बिस्मथ बी आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं एटम्स हैं ये सारे 5 इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं अपने वैलेंस शेल में, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी डोपिंग कराएं इसके एटम्स के साथ, हम सिलिकॉन के एटम्स की डोपिंग करवाएं, ठीक है, सिलिकॉन में अगर हम इसको ऐड कराएं तो होता क्या है कि अब हमारे पास हमने कहा कि सिलिकॉन के पास जो है वो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। अब जब जैसे ही मैंने उसमें डोपिंग की तो वो कोवेलेंट बाउंड बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसके पास भी वैलेंस शेल में जो है इलेक्ट्रॉन कम है। हमारे पास अगर हमने फॉस्फोरस लिया तो फॉस्फोरस के पास भी हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन की तादाद कम है वैलेंस शेल में, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके पास 5 है। तो ये क्या करेगा, सिलिकॉन के साथ बाउंड बनाने की कोशिश करेगा, शेयरिंग करने की कोशिश करेगा, दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। जब इसने शेयरिंग की तो अब 4 इलेक्ट्रॉन जो है सिलिकॉन के और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास फॉस्फोरस, जो भी 5 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। अब ये शेयरिंग करेंगे आपस में, शेयरिंग किस तरह से करेंगे, एक फॉस्फोरस जो है 4 सिलिकॉन के साथ शेयरिंग करेगा उसके एक एक एटम्स के साथ, ठीक है। किस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयरिंग करेगा। एक सिलिकॉन एटम ये रहा हमारे पास, उसने शेयरिंग की एक इलेक्ट्रॉन के साथ, ये फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन और ये हमारे पास आ गया सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मैंने आर्सेनिक लिखा है, मैं फॉस्फोरस का से कह रही हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने आर्सेनिक का बनाया तो मैं अब आर्सेनिक बोलने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक सिलिकॉन एटम ने इसके साथ बॉन्डिंग बनाई, फिर एक सिलिकॉन एटम ने आर्सेनिक के साथ बॉन्डिंग बनाई, इस तरह से इसने अपनी कोवेलेंट बॉन्डिंग इसके साथ इस एटम के साथ बना ली। लेकिन क्योंकि आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इस एक इलेक्ट्रॉन का ही सारा काम था और ये इलेक्ट्रॉन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कोई भी बाउंडिंग, किसी ने भी बाउंडिंग नहीं बनाई, किसी ने दोस्ती नहीं की,
ठीक है, ये बेचारा अकेला रह गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मेन रोल है, अब जब हमें आगे हम कोई भी डिवाइस बनाएंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली में यही इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने की वजह बनते हैं। ठीक है, तो हमने एन टाइप मटेरियल पढ़ लिया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और बात करते हैं पी टाइप मटेरियल की, कि पी टाइप मटेरियल किस तरह के होते हैं और किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। सो पी टाइप मटेरियल जो होते हैं वो ट्राईवेलेंट से मिलके बनते हैं। ट्राईवेलेंट एलिमेंट यानी कि थ्री ग्रुप के एलिमेंट के साथ मिलके बनाते हैं, ठीक है, जिसके पास थ्री ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ मैं आपको। एल्यूमिनियम हो गया सबसे पहला, Al से डिनोट करते हैं, गैलियम हो गया, Ga से डिनोट करते हैं, बोरॉन हो गया, B से डिनोट करते हैं, इंडियम हो गया, In से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ थ्री ग्रुप एलिमेंट्स के पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, जिनकी जिसके साथ हम अगर डोपिंग करेंगे तो हमारे पास पी टाइप मटेरियल निकलेगा। हमने इसको पी टाइप मटेरियल क्यों नाम दिया और ये किस तरह से मैन्युफैक्चर होता है इसके बारे में हम इसके इमेज से समझ लेते हैं कि ये किस तरह से बनते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ मैंने एक एल्यूमिनियम का एटम लिया है, सिलिकॉन के साथ मैंने एल्यूमिनियम की डोपिंग करवाई है। डोपिंग करवाने के बाद मैंने कहा कि इसके पास वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो तीन इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, थ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास। जब इसके पास थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो होगा क्या कि ये सिलिकॉन के साथ बिल्कुल उसी पैटर्न से शेयरिंग करेगा जिस तरह से फॉस्फोरस ने किया था सिलिकॉन के साथ। तो ये शेयरिंग कर रहा है एक सिलिकॉन के साथ, फिर सेकंड के साथ एंड थर्ड वन के साथ। जब ये लास्ट वाले के साथ शेयरिंग करेगा तो इसके पास क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन ही थे तो इसकी शेयरिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन की जो जगह होगी वो बच जाएगी। ये जो एक इलेक्ट्रॉन की जगह बच गई है इसे हम यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसे हम कहते हैं होल। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में होल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि होल क्या होता है बेसिकली। तो ये होल जो होता है वो एक पॉजिटिव आयन की तरह वर्क करता है। इट्स मीन कि ये इलेक्ट्रॉन की जो है वो जगह है, इलेक्ट्रॉन आके इसे फिल कर देगा, फिल कर सकता है, पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन इसे फिल कर दे। कोई भी इलेक्ट्रॉन आके, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा होता है कंडक्शन बैंड में, वो आके इसे फिल कर सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन की जगह है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के लिए जो है एज अ पॉजिटिव आयन की तरह काम करता है, क्योंकि ये जो है ना वो मूवेबल नहीं होता है, ये इलेक्ट्रॉन की तरह रिवॉल्व नहीं कर सकता, ये एक ही जगह रहता है। तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव आयन कहते हैं, साइंटिस्ट इसे पॉजिटिव कंसीडर इसलिए करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास जो है होल्ड कर सकता है, तो इसलिए हम इसे होल के साथ साथ पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी पी टाइप के बारे में, सेमीकंडक्टर के कितने तरह के मटेरियल्स बन सकते हैं, दो तरह की डोपिंग होती है, एक पेंटावेलेंट और एक ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट से हम एन टाइप मटेरियल बनाते हैं जिसमें हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसे हम जो है करंट फ्लो करवाने के काम आ सकते हैं। और दूसरा हमारे पास आ जाता है पी टाइप मटेरियल जिसमें हमारे पास होल्स की तादाद मिल जाती है, हमें फ्री होल्स मिल जाते हैं, जो आने वाली वीडियोस में जब हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा कि होल्स किस तरह से इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं। तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम पीएन जंक्शन पे डिटेल में बात करेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी आगे की मैन्युफैक्चरिंग, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके बाद जब हम उसमें वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो किस तरह से वर्क करता है। तो ये सारी वीडियोज़ अगर आप स्किप नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को लाजमी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बा आसानी पहुंच सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।